लोकसभा चुनावों को लेकर मतदान की तिथि नजदीक आती जा रही है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में सियासत तेज हो गई और आज भाजपा मेडिकल प्रकोष्ठ चिकित्सा प्रकोष्ठ की विशेष बैठक है और भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन का ऐलान चिकित्सक और जितनी भी मेडिकल से जुड़े लोग हैं उन्होंने दिया। यहाँ फार्मासिस्ट मौजूद थे, यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद थे, बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है, कितनी बड़ी सफलता मानते हैं। हमारे साथ कृष्णपाल गुर्जर जी स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं। सर, एक एक व्यक्ति संस्थान है और कहते हैं डॉक्टर जिसके साथ हो जाए, पुलिस और प्रशासन जिसके साथ हो जाए तो उसके साथ भगवान हो जाता है। देखिए, पुलिस और प्रशासन कभी न सत्ता बना सकते हैं न सत्ता से हटा सकते हैं। ये मतदाता है जो किसी को भी सत्ता में लाता है और सत्ता से बाहर करता है। आज यहाँ पर हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं, इस तमाम संस्थाओं के लोग आज यहाँ पर आए हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को देश हित में एक स्टेबल सरकार के लिए, एक स्थिर सरकार के लिए इन्होंने समर्थन का ऐलान किया है। क्योंकि ये जानते हैं कि आज इस देश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के अलावा किसी की हैसियत नहीं बची है जो इस देश को एक स्टेबल गवर्नमेंट, मजबूत सरकार और मजबूत नेतृत्व दे सके। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ही आज इस देश में एक स्थिर सरकार और मजबूत नेतृत्व दे सकते हैं। इसलिए लोगों ने अस्थिर सरकारों का खामियाजा लंबे समय तक भुगता है, अब उनको स्थिर सरकार बनाने का जो है उनको अंजाम दिखने लगा है कि देश 11वें से 5वें नंबर पर पहुंच गया, तीसरे पर पहुंचने की तैयारी है, विकास तेजी से हुआ है, दुगना हुआ है। तो इसलिए ये सब देश के लिए एक विकास देने वाली सरकार बनाएंगे और मजबूत और स्टेबल सरकार बनाएंगे। सर, यहाँ जितने मैं चेहरे देख रही हूँ ऐसे भी चेहरे हैं जिन्होंने डॉक्टर्स की एसोसिएशन का हरियाणा में नेतृत्व किया है और आज पूरे चिकित्सा वर्ल्ड ने आपको जो है एक समर्थन का बूस्टर डोज दिया है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं। चिकित्सक भी चाहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग इनके लिए भी और ज्यादा सुगम बने जो किया है, तो आने वाले समय में सर किस तरह से ईज ऑफ डूइंग रहेगा? देखिए, जो मोदी जी है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस पे चलने वाली सरकार है मोदी जी। तो इसलिए इनके विकास के लिए और इनके समस्याओं के समाधान के लिए जो भी संभव होगा निश्चित तौर पे करेंगे, क्योंकि इन लोगों का देश के चिकित्सा सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इनके कार्यों की अनदेखी ना सरकार ने की और ना भविष्य में करेगी। सर, यहाँ मौजूद हर एक डॉक्टर और मेडिकल जगत से जुड़ा व्यक्ति अपने आप में इंस्टीट्यूशन है और ओपिनियन मेकर आपने इनको कहा, तो आज इन सब लोगों ने एक स्वर में समर्थन का ऐलान किया है, भाजपा को कितनी मजबूती सर इससे मिलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना बड़ा वर्ग जब समर्थन में खड़ा हो जाए तो निश्चित तौर पर मजबूत तो मिलेगी। वैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ आज हर वर्ग खड़ा है, और किस लिए खड़ा है, क्यों इसलिए खड़ा है, इस देश को अगर दुनिया का कोई विकसित देश, श्रेष्ठ राष्ट्र, विश्वगुरु अगर कोई बना सकता है तो नरेंद्र मोदी बना सकता है। उम्मीदें उन्होंने पूरी की, विश्वास पर खड़े उतरे और अब गारंटी पर खड़ा उतरेंगे, इन लोगों को भरोसा है। जी बिल्कुल, लोग भरोसा जता रहे हैं, चिकित्सक भरोसा जता रहे हैं। और चलिए हम डॉक्टर से भी बात करेंगे और साथ में हमारे साथ सीमा तिरखा जी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। सीमा जी, आज आप तो डॉक्टर्स के काफ़ी नज़दीक रहती है क्योंकि महिला डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो कितनी बड़ी सफलता मानते हैं कि आज तमाम जो है डॉक्टर्स आज समर्थन में उतरी हैं? मैं समझती हूँ ये प्रबुद्ध नागरिक हैं हमारे, और ये ना केवल पेशेंट की सेहत की चिंता करते हैं बल्कि ये हमारे देश की स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, देश के स्वावलंबन की चिंता करते हैं और देश की सुरक्षा की भी चिंता करते हैं। और उसी चिंता को, अपने आप को उससे ख़त्म करने के लिए इन सबको मालूम है कि एक ही नेतृत्व है हमारे पास जिसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी, और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में
भारत आज हम बोलते थे, वैसे बड़ा अजीब लगता था पहले मुझे सुनने में भी, कि विश्वगुरु 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 के एक रट चलती थी। आज हमें लगता है कि हम 90% का सफ़र तय कर चुके हैं। जब भारत आज दुनिया को देने में सक्षम हो चुका है, आज दूसरे देशों की मदद करता है, तो वो करवाने वाला कौन लीडर है? हेड ऑफ़ द फैमिली पे सब कुछ डिपेंड करता है। और भारत के 140 करोड़ नागरिक मोदी जी का परिवार है। और देखिए बड़ा दिल कितना है, 140 करोड़ में राहुल गांधी परिवार भी आता है, उसे भी मोदी जी अपना परिवार मानते हैं। तो ये बड़प्पन होती है एक लीडर की जी। तो ये सब आज एक सुर से एक मत से मोदी जी के समर्थन के लिए, मोदी जी का नुमाइंदा जो हमारे शहर से है आदरणीय चौधरी कृष्ण पाल जी, उनको ये भरपूर मदद कराएंगे। और मोदी जी का परचम फरीदाबाद से भी बहुत तगड़े मार्जिन से लहराएगा। और देखिए डॉक्टर पुनीता हसीजा हमारे साथ हैं और गौरवान्वित करती हैं पूरे फरीदाबाद को। हरियाणा में भी आज आपने मेडिकोज फॉर मोदी का आयोजन किया है, तो कितने एक मेडिकल जगत से जुड़े हुए लोग थे और क्या समझते हैं, कुछ मांगे भी आपने रखी? हाँ, वो हमने सर को बताया, हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी तो वोट मांगने का टाइम है हमारा और हम मोदी जी को पूरा समर्थन देते हैं। अभी हमने बिल्कुल मतलब अपने डॉक्टर्स जो हैं हर एसोसिएशन को जोड़ा है, नीमा को जोड़ा है, IMA है, आयुर्वेदिका है, होम्योपैथी है, फार्मा कंपनीज हैं, फार्मा एसोसिएशन, सबको जोड़ा है। और हर थोड़े थोड़े लोग आए हैं हर जगह से और आपने देखा था हॉल बिल्कुल फुल था और सबने वोट फॉर मोदी है। और सबसे निवेदन है कि जिसने हमारे देश का नाम, और हमें बाहर जाते हैं जो हमें सम्मान मिलता है वो जो पहले जमाने में नहीं मिलता था, तो उनको वोट क्यों नहीं देंगे? वोट फॉर मोदी, मेडिकल फॉर मोदी। बिल्कुल, देखिए मेडिकल जगत ने आज फरीदाबाद में बूस्टर डोज समर्थन का दे दिया है भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि 25 मई को मतदान है, घर से निकलिए, वोट की चोट का प्रयोग करिए ताकि अगले 5 साल आपका शिकवे शिकायतों की बजाय समाधान में निकले। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब के TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।